शालिन में इतनी बड़ी लड़ाई क्यों हुई, क्या है मुद्दा, क्या कर दिया है शालिन ने जिसके ऊपर जो है सुंबुल को काफी ज्यादा गुस्सा आया और गुस्से के चलते हुए जो है सुंबुल अपना स्टैंड लेती हुई नजर आई। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज आप लोग एपिसोड में नॉमिनेशन से बचने का टास्क देखने वाले हैं, जहां पर टीना दत्ता शालिन जो है बैठे होते हैं और उसी दौरान ही शिव ठाकरे से बात कर रहे होते हैं शालिन, और शालिन जो है शिव ठाकरे को बोलते हैं कि सुंबुल का इन्वॉल्वमेंट काफी कम है शो में, जहां पर जो है सुंबुल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आते ही सुंबुल ये बात बोलती है कि तुम कैसे बोल सकते हो कि मेरी इन्वॉल्वमेंट कम है, जहां पर शालिन बोलते हैं कि ये मेरा डिसीजन है और वैसे भी तुम्हारे पिताजी ने भी बोला था कि तुम्हें स्ट्रांग बनना है, तुम रोती रहती हो, तो वहां पर सुंबुल ने बोला कि ये 4 हफ्ते की तुम बात कर रहे हो, उसके बाद तो मैं काफी ज्यादा स्टैंड लेती आई हूँ और काफी सारी चीजें मैं करती आई हूँ, और तुम कैसे हो, तुम कौन होते हो मुझे ये बोलने वाले या किसी को भी ये बोलने वाले कि वो वीक कंटेस्टेंट है या वो स्ट्रांग कंटेस्टेंट है, तुम ये सब बातें कैसे बोल सकते हो। जहां पर शालिन भी जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है रखते हुए नजर आते हैं कि नहीं भाई तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट कम ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर घमासान लड़ाई जो है इन दोनों के बीच में देखने के लिए मिली। हालांकि सुंबुल ने जिस तरीके का स्टैंड लिया है मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि सुंबुल जो है पहले वीक जो है काफी ज्यादा वीक नजर आ रही थी, क्योंकि वो ना स्टैंड ले पा रही थी ना कुछ बोल पा रही थी, पर अब जब भी कोई भी उसको उंगली करता है तब जो है सुंबुल उसके ऊपर स्टैंड लेती है। एक बात ये है कि सुंबुल को तुम कमजोर कर रहे हो और फिर हेडलाइन लेके जा रहे हो सुंबुल के नाम की, सुंबुल पे ही तुम टारगेट कर रहे हो और तुम सुंबुल को कमजोर बोल रहे हो, तो फिर अगर सुंबुल को टारगेट कर रहे हो और सुंबुल कमजोर है तो तुम उसको टारगेट कर ही क्यों रहे हो, उसको ये बातें बोल ही क्यों रहे हो। ये बातें जो है शालिन जो बोलते हुए नजर आए वो मुझे बेबुनियाद लगी। हालांकि आपके क्या विचार है आप भी बताइए। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।